बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का आज 91वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर सैफ अली अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने मालदीव्स में पहुंच चुके हैं। हालांकि ये सारी प्लानिंग करीना कपूर खान की थी, लेकिन सारा और इब्राहिम अपने पापा सैफ अली खान के बर्थडे पर वहां नहीं पहुंचे। तैमूर और जय सैफ के बर्थडे में शामिल हुए हैं। फैमिली को टाइम देने के लिए सैफ अली खान ने अपने बर्थडे को सही मौका समझते हुए फिल्मों की शूटिंग से ब्रेक लिया है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैफ अपने बर्थडे पर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे और लगातार चल रहे फिल्मों की शूट से एक ब्रेक चाहते थे, तो सैफ के लिए ये सही मौका था जब वो फैमिली के साथ साथ जय को पहली बार किसी वेकेशन पे ले जा सकते थे। तो चलिए सैफ के जिंदगी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताती हूँ। पहला ये कि सैफ अली खान की पहली फिल्म 1993 में बनी परंपरा थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। और दूसरा ये कि उनकी पहली वाइफ अमृता सिंह थी, जिनसे सैफ ने महज 21 साल की उम्र में शादी की थी, जबकि अमृता सिंह उनसे 12 साल बड़ी थी। और इसके बाद सैफ करीना कपूर के साथ चुपचाप तरीके से लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे और तो और साल 2012 में दोनों ने सिंपल तरीके से शादी कर ली। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ हादसों के बारे में भी। क्या कहना कि शूटिंग के दौरान सैफ के सर पर ऐसे चोट लगी थी कि डॉक्टर्स ने उनके सर पर कई टाके लगाए थे और साल 2007 में सैफ को चेस्ट पेन होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जिसके बाद सैफ ने सिगरेट पीने से तौबा कर लिया। और क्या आप जानते हैं कि सैफ एलुमिनाटी नाम की फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक है? क्या आपको पता है सैफ का खानदानी घर या कहिए पैलेस गुड़गांव से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है और उसे इंडिया का सबसे बेस्ट होटल्स में गिना जाता है। यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी होती है, जिनसे इनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। तो ये थी सैफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिससे प्लीज आप किसी से बोलना मत। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। और जाते जाते सैफ को मेरे और मीडिया दरबार की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे।